चल बाय। डर अरे कुछ नहीं है वो यार, टेंशन मतलब ऊपर से आता है जो आता है, यहाँ से आता, देखो ऊपर से बाघ वगैरह आता है ना इधर। देखिए यहाँ पर लगड़ बनाते हुए, पहाड़ी भाषा में पूरी को लगड़ कहा जाता है। ये लल खा ले। हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं रानी खेत में, तो अभी मेरे साथ बंटी और हम दोनों चिल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये इलाका पूरा रानी खेत का है, यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ आप देखेंगे ये बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ पर रुके हुए हैं कि कोई टैक्सी मिल जाए, और टैक्सी जैसी आएगी फिर हम आपको दिखाएंगे यहाँ का व्यूज़, यहाँ के नज़ारे। पहुँच चुके हैं हम भतरौज खान, और यहाँ पे बस लगी हुई है तो बस में बैठेंगे और उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे भिक्यासन की तरफ। गैस कर सकते हैं हम कहाँ पे खड़े हैं? हम खड़े हैं भिक्यासन मार्केट में। ये देखिए पीछे बाज़ार में, यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी वगैरह और थोड़ा फल फ्रूट यहाँ पर लेते हैं, कुछ सामान लेते हैं घर के लिए। गांव तो पहुँच गए लेकिन गाड़ी पूरी गांव तक नहीं मिली, तो हमको यहाँ से कच्ची रोड से पैदल पैदल आना पड़ रहा है। और जब से ये आया है तब से ट्रैवल ही करी जा रहा है गाड़ी में, ट्रैवल कर करके थक गया है, इसकी हालत ख़राब हो गई है, किसकी हो गई दिख रहा है मुझे। और टेढ़ी मेढ़ी रोडों में इतना डर गया है, कह रहा है कि भाई कहाँ लेके आ गया। पीछे देखिए कितना सुंदर एकदम हल्की हल्की हवा है, तो अभी तो तेज़ धूप से अभी देखा जाए तो हल्का फुल्का गर्मी भी हो रही है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे आस्ते आस्ते चलेंगे और पहुँच जाएंगे। फाइनली दोस्तों अब जाके पहुँचे हैं हम अपने गाँव में। ऊपर को कर रहे हैं चढ़ाई, थोड़ा सा ही ऊपर है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी हालत देखने लायक है। ये अभी यहाँ पर गेहूं की जो पैदावार देखिए कितनी बढ़िया हो रखी है, और बड़ा अच्छा लग रहा है चारों तरफ। अभी हम लोग ये देखिए बंटी को मैं लेके जा रहा हूँ थाली लेके, क्योंकि यहाँ पर नामकरण है तो खाने वाने की तैयारी हो रही है, तो खाना खाएंगे। इसके बाद पहले खाने लेके आते हैं, नामकरण का जो उसके बाद भोजन पानी चल रहा है। सभी लोग ये देखिए, ये सूरज जी हमारे पोज देते नज़ारा है ध्यानी जी। बहनी बधाई हो, और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमा नमस्कार, ये 100 साल की हमारी अम्मा। ये देखिए चेहरे उसका, भाई पार्टी ले गया, पार्टी बाहर चल रही है। बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, धन्यवाद है। आम बन गया, आम क्या मतलब कितने आम बन गए। ये देखिए यहाँ पर लगड़ बनाते हुए, पहाड़ी भाषा में पूरी को लगड़ कहा जाता है। इस तरीके से गांव में खाना पीना खिलाया जाता है। ये हमारे रशारे और इस तरीके से यहाँ पर बना रहे हैं, बेल रहे हैं पूरियाँ। इस तरीके से खेत में चूल्हा लगाया जाता है। और यहाँ पर ये देखिए, जो लोग कहते हैं कि पुरुष लोग काम नहीं करते, यहाँ पर पुरुष लोग ही काम करते हैं। ये देखिए कि अगर आम आदमी पार्टी आएगी, अगर आम आदमी पार्टी नहीं आई तो हम अपनी मूँछ कटा लेंगे, और आपने मूँछ कटा ली, अरे वाह मज़ा आ गया, ये हुई बात। और हम अपना खाना लेके आगे की तरफ चलते, घर की तरफ। उठाइयो, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन लग रहा है। पूरी है, आलू की सब्जी है, और मटर पनीर भी दे रखा है, वाह, और साथ में आलू की सब्जी, चलो बढ़िया। और ये देखिए व्यू, घर पे आ गए हम। घर पे आके आराम से तसल्ली से बैठिए, फिर खाएंगे। पर ही नहीं आ पा रहा, कह रहा है मेरे को पकड़ लो और करोगे पहाड़ में चढ़ाई। फिसल रही है तेरी क्या फिसल रही है चप्पल? हाँ ला हाथ दे। अबे सारी सॉक्स पहन रखा है मैंने। अच्छा रुक जा, चप्पल ही गई क्या, लेके आए दोबारा। तो गाइस यहाँ पर हो रहा है फोटोशूट, बहुत मज़े ले रहा है बंटी यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा इसको यहाँ पर आके। पीछे जो पहाड़ों की है, वादियों की, इधर से फर्स्ट क्लास तरीके से फ़ोटो खींच रहा है। खेत खलिहानों पे लेके आया हूँ इसको। तो बेसिकली अभी दिन का टाइम है, दिन का क्या मतलब शाम हो चुकी है, 4-5 बज रहे हैं। थोड़ा धूप गई नहीं है, धीरे धीरे जा रही, गर्मी का टाइम है। लेकिन एक ही हवा चल रही ठंडी ठंडी, बड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये देखिए कैसा मौसम हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए सामने पहाड़ दिख रहे हैं, ये देखिए व्यू पूरा, पूरा पहाड़ देख सकते हैं आप। इतना सुंदर मौसम हो रहा है नीचे, ये देखिए वाली लोकेशन। इसका मन था कि मैं उत्तराखंड घूमूं, बहुत कह रहा था कि पहाड़ घूमते अभी हालत ख़राब हो गई है, पानी के डब्बे छाड़ते हुए बोल रहा था उत्तराखंड बड़ा मस्त है, ये है। आप पता चल रहा होगा सिंपल लाइफ कैसी होती है। मेरे पास है डब्बा, क्योंकि ये नहाने के लिए और पीने के लिए हो जाता है। अब इसकी हालत ख़राब हो गई है, लीटर के डब्बे छाड़ने में इतनी हालत का टाइट हुई है। मैं बात कर रहा हूँ, कॉल देख रहा है। अब अच्छा है पहाड़, अच्छा है, अच्छा पहाड़। ये कॉल चल रही है मेरी, ये पहाड़ अच्छा है। हाँ। सिंपल लाइफ अब पता चला इसको, पहाड़ की सिंपल लाइफ कैसी होती है। 2 डब्बे पानी लाए नहीं, इसी में हालत ख़राब हो गई। बंटी के सामने रखी है एक शर्त कि रात में ये यहाँ तक चली जाए बस, जहाँ पर ये हरा हरा गेहूं के शुरू हो रहे हैं, जहाँ पे गेहूं हो रहे हैं, यहाँ तक अगर ये चले जाएगा रात में तो इसको क्या ₹100 दिए जाएंगे, ₹500 दिए जाएंगे। ये सत लगी है, एक्सेप्ट करते हो चैलेंज? मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, मुझे पता ही नहीं कहाँ क्या है, वहाँ पे क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं रात में कह रहा हूँ खाली कि रात में तो कि हिम्मत दिखानी है, अपनी बहादुरी दिखानी है, बस यहीं तक जाना है। अगर जा सकता है सिर्फ ₹500 मिल जाएंगे ऑन द स्पॉट। बता, स्वीकार है? चल रात में जाना, अभी नहीं जो अंधेरा होगा, ठीक है ना? तो वैसे देखते हैं फिर रात में क्या होता है। यहाँ पर हो रहा है महिला संगीत, नामकरण होने के बाद ये गांव में प्रथा है, सभी लोग यहाँ पर करवाते हैं कीर्तन भजन और महिला संगीत। ये देखिए एकदम टीका लगाते हुए अम्मा जी, पहाड़ी रिवाज पहाड़ी संस्कृति। नाक से लगाओ ना टीका, नाक से बिल्कुल, ये देखिए संस्कृति बिल्कुल नाक से लगा रखा है। अच्छा, जिनके आदमी नहीं होते उनका नहीं लगता है, ये रिवाज है, और जिनके पति होते हैं उनके नाक से टीका लगता है। कह रही है तेरी शादी कब है, अब वो भाई की शादी है और इनको यही नहीं पता, कह रही तेरी शादी कब है। अब मेरी शादी थोड़ी ना हो, तुम यार बच्चे को तुम शादी करवा दो। ये है हमारे नेपाल से आए हुए और यहीं पर इनको बसाया गया है कि यहाँ की संस्कृति में इस तरीके से ढल चुके हैं ये नेपाल के। बचपन में हम एक और चीज़ एक काम करते थे बकरियों के साथ, और वो मैं दिखाऊंगा आपको हम क्या क्या करते थे। तो सबसे पहले उसके लिए मेरे पास है ये क्या कहते हैं उसको, झाड़, और इस झाड़ से बकरी को कैसे लालच दिया जाता है मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे बच्चों ना हम क्या करते थे, ये देखो, इसको देखना क्या कहते हैं, ये देखो ये लल खा ले। तो बच्चों ने हम ऐसे क्या करते थे, इन बकरी को देखकर याद आ गई। ये तो मार देगा तेरे को, जैसे सिंह देख, ये खुद तो समझ नहीं रहा बकरी को पकड़ रखा है। शाम का टाइम है और बहुत ही प्यारा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर हम आए थे स्कूल पे, यहाँ का स्कूल है आप ये देख रहे हैं, और यहाँ से भी शाम का टाइम बिल्कुल सुनसान है। चिड़ियाओं की चहचहाट आप सुन सकते हो, चिड़ियाओं की चहचहाट के अलावा और कोई यहाँ पर सब सुनसान है। बाघ आने का खतरा रहता है, कभी दिन दहाड़े भी आ जाता है, रात के टाइम भी आ जाता है, और अभी सुनसान है। और इधर घने जंगल ही जंगल दिखेंगे, चीड़ के पेड़ ही पेड़ दिखेंगे चारों तरफ। ये देखिए, हो रहे हैं झोड़े चांचरी, ये देखिए पहाड़ में इस तरीके से जो लुप्त होने के कगार पर है हमारी संस्कृति, लेकिन अभी भी ये देखिए गाँव में अगर आप आते हैं तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इस तरीके से यहाँ पर झोड़े और गीत में उत्साह मनाया जाता है, झोड़े गाते हुए। बीच में जाके देखते हैं, ट्राई करते हैं, बीच में अंदर देखिए हर एक चेहरा यहाँ पर आपको दिखेगा। अरे कुछ नहीं है वो, यहाँ टेंशन मतलब ऊपर से आता है जो आता है, यहाँ से आता है, देखो ऊपर से बाघ आता है ना, इधर से आता है पीछे से, यूँ तो हम छत पे बैठे होंगे अभी, अभी तो जाएगा ना, लाइट जला, लाइट जला दी मैंने, अब टेंशन नहीं मिली, लाइट तभी तो जला रहा हूँ, लाइट जला क्या, लाइट चलेगी मत। ये इतना ज़्यादा डर गया है आज, इसको बाहर लेके जा रहा हूँ मैं, चला चल बाय। डर देखो डर, चल ठीक है तो कर लेगा ना, मैंने किया है। हाँ तो गाइस ये बहुत ज़्यादा डर रहा है अंधेरे की वजह से, और कुछ नहीं। गाइस जो आप ये देख रहे हैं चारों तरफ ये छोटे छोटे यहाँ के गाँव हैं, ये देखिए, और ये इतना डरा है, डर क्यों रहा है तू, पहले इधर दिखा, अंधेरा हो गया। गाइस तो हमने शर्त लगाई थी उधर जाने की, तो पहले उधर जा, मैं दे रहा हूँ। कोई नहीं, गेट रहने दे, क्यों तेरे को डर क्यों लग रहा है ये बता। अबे भाई पूरा तो तेरा पूरा गाँव है ना, हाँ गाँव बोल रहा है, तेरे बगल वाला गाँव बोल रहा है, जहाँ से सुन के जहाँ भी सुन लो ना, हल्द्वानी गए, हल्द्वानी से आ रहे, हल्द्वानी में भी सुना, रानीखेत में भी सुना, यहाँ भी सुन रहे हैं, दोस्त भी बोल रहे हैं मेरे वहाँ, तो क्यों नहीं लगेगा डर, सिंपल सी बात है। क्यों बात छोड़, जब सुन 10 बार एक बंदा ना चाहे डरता है ही नहीं डरता हो, वो 100 बार सुन लेना कि बाघ है तो वो विश्वास कर लेगा बाघ है तो चलो ठीक है। अगर बाघ नहीं होता तो ये अंधेरे से डर नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, फिर अंधेरे से डर पक्का, प्यारा अंधेरा है, अंधेरा तो जाके दिखा फिर वहाँ तक, अभी नहीं जा रहा। तो गाइस आज दिन भर हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, और मस्ती करते करते लास्ट में आज दोस्त को बहुत ज़्यादा डरा भी दिया, वाकई में डर भी गया ये अंधेरे को देख के, वाकई में बहुत ज़्यादा अंधेरा है। आई होप आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा होगा। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।